सूर्य रश्मियां करेंगी रामलला का अभिषेक। भव्य राम मंदिर को आइकोनोग्राफी सिस्टम से किया जाएगा लैस। रामायण कालीन चित्रों को मंदिर की दीवारों पर उकेरा जाएगा। रामलला के मंदिर में 24 घंटे गूंजती रहेगी सुमधुर रामधुन। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से राफ्ट के निर्माण में आ रही है बाधा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को दुनिया का सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थल बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। मंदिर की नींव से लेकर दीवार तक हर निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और साधनों का इस्तेमाल हो रहा है। रामलला मंदिर की दीवारें ऐसी होंगी जो भक्तों के प्रवेश करते ही रामधुन गाएंगी। दीवारों पर आइकोनोग्राफी सिस्टम से रामायण काल में वर्णित चित्रों को उकेरा जाएगा। बिना वायर के लाइटिंग सिस्टम तो होगा ही। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह रामलला का गर्भगृह सूर्य की रोशनी से प्रकाशमान रहेगा। सुबह सुबह भुवन भास्कर की किरणें भगवान श्री रामलला के चरण को प्रकाशमान करेंगे। सब कुछ अद्भुत और अवर्णनीय होगा। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं हफ्ते भर की रामलला मंदिर की निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। राम मंदिर में बेतार होगी विद्युत व्यवस्था। राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में बिजली व्यवस्था बेतार होगी। ये व्यवस्था मंदिर निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रस्तर खंडों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि सामान्य भवनों की तरह पाषाण निर्मित इमारत में तार संयोजित करने के लिए छेद करना आसान नहीं होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर में लाइटिंग, स्पीकर, CCTV कैमरा सभी होंगे, लेकिन इन्हें बाहरी विद्युत तारों से नहीं जोड़ा जाएगा। सुरक्षा प्रबंधों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। मंदिर में लाइट के वायर न दिखाई दें, इसके लिए प्लिंथ निर्माण के दौरान मंदिर के फर्श में तारों को बिछाया जाएगा। मंदिर के ये तार ऐसे होंगे जो न कभी शॉर्ट होंगे, न इनमें पानी और आग का प्रभाव होगा। मंदिर में आइकोनोग्राफी तकनीक से उकेरी जाएंगी मूर्तियां। राम मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों को राममय माहौल लगे, धार्मिकता का एहसास हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार इसके लिए पूरे मंदिर सहित प्लिंथ और परकोटा में मूर्तियां उकेरी जाएंगी। आइकोनोग्राफी तकनीक से राम कथा सहित भिन्न भिन्न कलाकृतियों के चित्रण राम मंदिर की अलग अलग दीवारों पर किया जाएगा। मूर्तियों को मंदिर के बाहर बनने वाले परकोटे पर भी बनाया जाएगा। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में संयोजित मूर्तियां भगवान विष्णु के दशावतार, नवग्रह, शक्तिपीठ आदि से जुड़ी पौराणिक परम्परा की होंगी। मूर्ति शास्त्र के विशेषज्ञों की राय पर वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन्हें दीवारों पर कलाकार बनाएंगे। इस तरह का कार्य थाईलैंड में भगवान बुद्ध की मंदिर में भी किया गया है। मंदिर में 24 घंटे गूंजती रहेंगी भजन। रामलला के मंदिर में 24 घंटे भजन की ध्वनि गूंजती रहेगी। ये धुन ऐसी होगी कि भक्तों का मन मंदिर से बाहर जाने का नहीं होगा। रामलला के जीवन से जुड़ी दुनिया भर की भजनों का संग्रह यहाँ सुना जा सकेगा। रामनवमी के दिन सूरज की किरणें रामलला का अभिषेक करें, उनके मुख को प्रकाशित करें, इसके लिए अंतरिक्ष विज्ञानी शोध करने में जुटे हैं। मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा के अनुसार राम मंदिर करोड़ों भक्तों की भावनाओं के अनुरूप बने, इसके लिए छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। राम मंदिर न सिर्फ भव्यता की मिसाल होगा, बल्कि
तकनीक के मामले में भी देश के चुनिंदा मंदिरों में इसकी गणना होगी, ऐसी ट्रस्ट की मंशा है। राम मंदिर निर्माण की तकनीक में होगा बदलाव। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इंजीनियरों ने राम मंदिर की हाईटेक व्यवस्था को लेकर कुछ निर्णय लिया है। तय हुआ है कि पूरे मंदिर में प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था अद्भुत होगी। विशेष अवसरों, खासकर राम जन्मोत्सव के दिन पूरा मंदिर किस रंग में प्रकाशमान हो, इसको लेकर इंजीनियरों ने निर्माण की तकनीक में बदलाव का सुझाव दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के अनुसार राम मंदिर में अनेक खूबियां होंगी। राम मंदिर का गर्भगृह सूर्य की किरणों से जहां प्रकाशमान होगा, सूर्य की रोशनी से गर्भगृह को प्रकाशित करने की ये योजना ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तकनीक पर तैयार की जा रही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में एक निश्चित समय पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और गर्भगृह को प्रकाशमान करती हैं। कुछ ऐसी ही व्यवस्था यहाँ भी होगी। नवंबर में शुरू होगा फर्श का काम। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मंदिर की नींव के दूसरे चरण का काम जारी है। नवंबर माह से मंदिर की फर्श को तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और अप्रैल से पत्थरों को लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच राम मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट की ढलाई जारी है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में बर्फ का प्रयोग किया जा रहा है। राफ्ट के निर्माण के लिए कम से कम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है, लेकिन रात्रि का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस कारण राफ्ट की ढलाई का काम बाधित हो रहा है। दर्शनार्थी देख सकेंगे पत्थरों की तैयारी। राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम लला का दर्शन करने आने वाले भक्त अब मंदिर निर्माण के हर पहलू को देख सकेंगे। जिन पत्थरों से मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनकी तराशी के काम को भी भक्त देख सकेंगे। मंदिर कार्यशाला में रखे पत्थरों के कुछ हिस्सों को दर्शन मार्ग पर भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ अब यहाँ राम मंदिर के मॉडल को स्थापित कर दिया गया है, ताकि दर्शनार्थी ये अच्छी तरह से समझ सकें कि मंदिर का निर्माण कब और कैसे होगा। मंदिर निर्माण से जुड़ी प्रत्येक जानकारी भी दर्शनार्थियों के लिए रामलला परिसर के सूचना पट पर उपलब्ध कराई जा रही, ताकि पारदर्शी तरीके से मंदिर निर्माण की हर एक गतिविधि की जानकारी राम भक्तों को मिलती रहे। भव्य अयोध्या के लिए भूमि खरीद का दूसरा चरण जल्द। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में विकास योजनाओं को भी गति मिल रही है। नव्य अयोध्या ग्रीन फील्ड टाउनशिप 1194 एकड़ में बनेगी। पहले चरण में 588 एकड़ भूमि खरीदने की योजना है। आवास विकास परिषद अब तक 370 एकड़ भूमि खरीद चुका है। दीपावली तक पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर दूसरे चरण का काम शुरू होगा। अयोध्या ग्रीन फील्ड टाउनशिप को वैदिक सिटी के रूप में विकसित करने की रूपरेखा ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी ली एसोसिएट ने बनाई है। ये योजना तिहुरा, बरहटा और सहनवाजपुर में विस्तार लेगी। टाउनशिप में कोई सनातन धर्मशाला, 5-सितारा होटल तो कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गोल्फ कोर्स बनाना चाहता है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।